गुरुग्राम के सदर बाजार को सुंदर एवं अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए नगर निगम की ओर से शनिवार को 7 दिन का ट्रायल शुरू किया गया, जिसे लेकर स्थानीय दुकानदारों ने अपनी नाराजगी प्रकट की और बाजार बंद कर विरोध शुरू कर दिया। इसे लेकर कई घंटों तक बाजार में गतिरोध की स्थिति बनी रही। इसे देखते हुए प्रशासन द्वारा बाजार में पुलिस बल तैनात किया गया। मेरी बात एक समझ में नहीं आती, टू व्हीलर से ट्रैफिक जाम कैसे होगा? अगर टू व्हीलर से ट्रैफिक जाम होता, मान लो लेडीज आती हैं, या मान लो यहाँ पर सुनारों का बहुत बड़ा व्यापार है और सुनार जो 700 मीटर दूर जैसे पार्किंग दे रहे हैं और वो चैन वगैरह हाथ में लेके जा रही है, कोई भी लेडीज हो आदमी हो, वो लूट जाएगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? सौंदर्यकरण करो, लेकिन दुकानदारों को परेशान मत करो। यहाँ पर ग्राहक आएगा नहीं तो दुकानदार करेगा क्या? क्या करेगा? मतलब दुकानदार जो सौंदर्यकरण को देख कर चाटेगा क्या? उसे व्यापारी को पैसे से मतलब होता है ना, व्यापारी को अपनी दुकानदारी से मतलब होता है, और जब दुकानदारी नहीं रहेगी तो दुकान खोल कर करेंगे क्या? सर ये इन्होंने नो व्हीकल जोन इन्होंने सदर बाजार को बनाया और साथ में 3-3 गलियां और ली है, इसके लिए बैरिकेड्स लगा दिए, परमानेंट ऐसे कर दिया जैसे कोई आतंकवादियों को रोकने के लिए किया जा रहा हो, जबकि बाजार के अंदर सिर्फ ग्राहक आता है या व्यापारी आता है उनकी सेवा के लिए। तो हम ये हमारी सिर्फ ज़्यादा डिमांड कुछ नहीं है, हम चाहते हैं अतिक्रमण तो ना हो, हम भी चाहते हैं, लेकिन सौंदर्यकरण भी हो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम टू व्हीलर व्यापारी का और ग्राहक का, टू व्हीलर कम से कम वो जरूर अलाउड हो। सदर बाजार की यह घटना जब केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के सामने आई तो उन्होंने इस पर जल्द ही कार्रवाई करने की बात कही। आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह बीते दिवस सदर बाजार स्थित जैन मंदिर के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि बाजार में लोगों का आना जाना जारी रहना चाहिए और इससे आम जनमानस को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, इस विषय में उन्होंने जल्द नगर निगम के कमिश्नर से बातचीत करने की बात कही थी। पता नहीं, मैं कमिश्नर साहब से बात करके फिर इसके बारे में कुछ टिप्पणी कर सकता हूं। मुझे तो आज हाल ही के अंदर बताया है तो अभी कुछ मैं कह नहीं सकता, लेकिन मेरा खुद का मानना है कि आना जाना लोगों का बना रहना चाहिए और अगर किसी ने उसको रोका है, आने जाने के अंदर किसी से बाधा पड़ी है, उसको अगर ठीक करने का प्रयास अगर कोई कर रहा है तो उचित प्रयास कर रहा है। आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के इस बयान का जल्द ही असर भी दिखाई दिया। उनके इस बयान के बाद नगर निगम कमिश्नर की ओर से व्यापारियों की एक बैठक बुलाई गई। बैठक में नगर निगम के कमिश्नर विनय प्रताप सिंह ने कहा कि गुरुग्राम के सदर बाजार को नॉन व्हीकल जोन बनाने के लिए 7 दिन के ट्रायल की शुरुआत की गई है। इसे लेकर सदर बाजार के व्यापारियों के कुछ सुझाव थे जिस पर एक लंबी बैठक करके सहमति बना ली गई। वहीं उन्होंने कहा कि दिल्ली के चांदनी चौक की तर्ज पर सदर बाजार को सुंदर बनाने के लिए यह एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है ताकि सदर बाजार को एक रोल मॉडल के रूप में विकसित किया जा सके। जो हमारा रास्ता है, सड़क है, सदर बाजार के नाम से जानी जाती है, शहर का पुराना स्थान है जहाँ मार्केट पड़ी है, वहाँ पर पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली करने के लिए और उसको नो व्हीकल जोन बनाने के लिए हमारा एक सप्ताह का ट्रायल आज शुरुआत हुई है। उसमें हमारे व्यापारी साथियों के कई सारे सुझाव थे, आज एक लंबी बैठक के बाद उसमें काफ़ी चीज़ों पे हम निर्णय कर पाए हैं। इस बैठक में सहमति मोटे तौर पर ये बन पाई है कि जो हमारे यहाँ पर दुकानदार हैं या उनके जो कारीगर हैं या उनके दुकान पे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, उनको जो स्पेसिफाइड पार्किंग दी गई है उसी स्पेसिफाइड पार्किंग में हम लोग खड़ा करने का प्रयास करेंगे गाड़ियों को। अच्छा एक्सपेरिमेंट जो चांदनी चौक में हुआ उससे भी बेहतर एक्सपेरिमेंट हम यहाँ कर पाएँ और सदर बाज़ार को ज़िले और पूरे राज्य के लिए एक तरह से एक रोल मॉडल के रूप में लें। गुरुग्राम से वी न्यूज़ के लिए अशोक सारस्वत के साथ आलोक भंडौरिया की रिपोर्ट।